लेखपाल और पटवारी की परीक्षा 12 तारीख को हुई, वो बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से पूरी पारदर्शिता से हुई। उसमें 1,03,000 प्लस छात्रों ने, अभ्यर्थियों ने प्रतिभाग किया और सभी के लिए बसों की भी निशुल्क व्यवस्था की गई थी, जो उनको ले गई परीक्षा केंद्र तक और वहां से उनको वापस अपने गंतव्य तक भी पहुंचाया। मुख्य बिंदु आप सबके समक्ष ये हम लोग रखना चाहते थे कि राज्य सरकार ने अभी हाल ही में जो नकल विरोधी कानून बनाया है, ये देश में जितने भी प्रदेश हैं, जितने भी राज्य हैं, उनमें सबसे सख्त कानून है। और उद्देश्य राज्य सरकार का यही है कि छात्रों का जो हित है, युवाओं का जो हित है, जो अभ्यर्थी प्रतियोगी परीक्षा दे रहे हैं, उनके हित से कोई भी अगर खिलवाड़ कर रहा है या कोई अनुचित तरीके इस्तेमाल कर रहा है किसी भी आयोग में या किसी भी संस्था के द्वारा, कोई कोचिंग सेंटर या कोई प्रिंटिंग प्रेस या कोई भी व्यक्ति, यदि प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित किसी भी प्रक्रिया में अगर कोई अनुचित तरीका इस्तेमाल करता है या कहीं भी कोई गलत काम होता है, तो उसको रोकने के लिए ये नकल विरोधी कानून प्रदेश सरकार लाई है। और इसमें मुख्य उद्देश्य यही है कि हमारे जो उत्तराखंड के छात्र हैं, जो युवा हैं, उनका भविष्य सबसे ज़रूरी है। छात्रों को अगर कोई बरगला रहा है या उनको मिसगाइड कर रहा है और गलत सूचनाएं, भ्रामक सूचनाएं, अफवाहें फैला रहा है, तो ऐसी अफवाहों के विरुद्ध भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी इस नए कानून में। यही मुख्य बिंदु थे जो आपके समक्ष हम लोग रखना चाहते थे। सरकार ने जो छात्र आंदोलन कर रहे हैं, उनकी भी, अभ्यर्थियों की या छात्र जो भी आंदोलन कर रहे हैं, जो मांगे उन्होंने सीएम साहब के समक्ष रखी हैं या हम लोगों के समक्ष कई बार वार्ता के कई दौर हुए हैं, और उन सभी मांगों को मानकर उनके हितों के साथ सरकार खड़ी है। स्वस्थ और सौहार्दपूर्ण संवाद से समस्याओं के हल करने के लिए हम लोग प्रयासरत हैं और उससे प्रत्येक परिस्थिति का सामना किया जा सकता है। माननीय मुख्यमंत्री जी की सरकार छात्रों के हितों के लिए हमेशा आगे बढ़कर बातचीत करने के लिए और समाधान निकालने के लिए तत्पर है। तो ये मुख्य बिंदु थे। इसमें जो एक बहुत बड़ी मांग थी कि नकल विरोधी कानून को सख्त बनाया जाए, वो मांग पूरी हो गई है। एक मांग और आई थी कुछ छात्र गुटों की ओर से कि जो इंक्वायरी चल रही है, वर्तमान में दो इंक्वायरीज चल रही हैं। एक यूके ट्रिपल एससी में जो अनियमितताएं पाई गई थी उसके लिए एसटीएफ इंक्वायरी कर रहा है। यूके पीएससी में जो अनियमितताएं उजागर हुई थी उनके लिए एसआईटी बनी है, एसएसपी हरिद्वार की अध्यक्षता में, वहां पे वो एसआईटी जांच कर रही है। तो ये भी मांग एक आई थी कि ये जो एसआईटी और एसटीएफ जांच कर रहे हैं, ये कोर्ट के किसी, हाई कोर्ट के किसी जज से इसका सुपरविजन कराया जाए। इसके लिए भी सरकार बिल्कुल तैयार है। अगर हाई कोर्ट के किसी माननीय जस्टिस के सुपरविजन में इंक्वायरी होती है तो सरकार उसके लिए सहमत है। इसके अलावा जो एक मांग आई थी कि परीक्षा नियंत्रक को हटा दिया जाए, यूके पीएससी से परीक्षा नियंत्रक को तत्काल हटा दिया है, उनकी जगह दूसरे अधिकारी की तैनाती कर दी गई है। जो लेखपाल और पटवारी की परीक्षा 12 तारीख को हुई, वो बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से पूरी पारदर्शिता से हुई। उसमें 1,03,000 प्लस छात्रों ने, अभ्यर्थियों ने प्रतिभाग किया और सभी के लिए बसों की भी निशुल्क व्यवस्था की गई थी, जो उनको ले गई परीक्षा केंद्र तक और वहाँ से उनको वापस अपने गंतव्य तक भी पहुँचाया। तो जो बातें सरकार के समक्ष या अधिकारियों के समक्ष आंदोलनरत छात्रों ने रखी थी, उन सभी का समाधान हो गया है। तो यही बातें आपके समक्ष रखनी थी। एक्चुअली किसी एग्जाम का सुपरविजन नहीं, जांच का सुपरविजन। पटवारी का तो आपने कह दिया, क्या यूकेएसएससी वाले जो एसटीएफ कर रही है वो भी जाएगी सुपरविजन में? जितनी भी जांचें चल रही हैं, अगर
हाई कोर्ट के कोई सिटिंग जज उसको सुपरवाइज करते हैं तो राज्य सरकार को कोई आपत्ति नहीं है। नहीं मैं भी तो पता ये डायरेक्शन कौन देगा कि वो सुपरवाइज करेंगे, मतलब हम ये अभी तो अनुरोध करेंगे उनसे कि आप जी जी, जी तो ये डायरेक्शन तो हाई कोर्ट ही देगा। माननीय उच्च न्यायालय से हम लोग अनुरोध करेंगे और माननीय उच्च न्यायालय ये डायरेक्शन देगा। नगर विरोधी कानून को लेकर कुछ ऐसी कंडीशंस बनी है कि ये कहां कहां लागू होगा, कैसे लागू होगा, थोड़ा सा स्थिति स्पष्ट कीजिए। ये जो कानून है ये बहुत इसमें स्पष्ट है। अगर नकल विरोधी कानून का आप अगर उसका नाम भी अगर आप देखेंगे तो इसका जो 11 फरवरी से लागू हो गया है और 11 फरवरी 2023 से उत्तराखंड प्रतियोगी परीक्षा फिर ब्रैकेट में है भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम व निवारण के उपाय अध्यादेश 2023, तो ये कानून ही बना है प्रतियोगी परीक्षाओं में अनुचित साधनों को रोकने के लिए। तो अन्य किसी परीक्षा पे ये लागू नहीं होगा, ये सिर्फ प्रतियोगी परीक्षाएं जो कम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, चाहे लोक सेवा आयोग कराए, चाहे अधीनस्थ सेवा आयोग कराए या चिकित्सा चयन बोर्ड कराए, कोई भी प्रतियोगी परीक्षा जो नौकरी के लिए जो परीक्षा होती है उस पर लागू होगा। केंद्र सरकार के किसी भी परीक्षा पे राज्य सरकार का कानून लागू नहीं होगा, केंद्र सरकार के अपने कानून है वो उस पे लागू होगा। मैम पिछले दिनों जो पेपर्स हुए हैं जिसको लेकर इतना सवाल हुआ, जिसको लेकर सवाल हुआ, इतने आंदोलन हो रहे हैं, वो किसी भी परीक्षा पर ये कानून लागू नहीं हुआ, क्या ऐसा है? नहीं हम सवाल समझे, सवाल ये है कि अब तक जो यूके एसएससी की पेपर की परीक्षा हुई, यूपीसीएस की परीक्षा हुई जो हो चुकी है, क्या उन परीक्षाओं पे ये लागू होगा ये नियम या नहीं होगा? नहीं, ये 11 फरवरी 2023 से ये लागू हुआ है, तो जो 12 तारीख की परीक्षा हुई है उस पे ये लागू है, उससे पहले ये लागू नहीं होगा, उससे पहले जो प्रीवियस कानून था वो ही लागू होगा।